मैं सुधीर अग्रवाल गांव भूरे का जिला मथुरा का किसान हूं। पूसा संस्थान द्वारा टीका जो दिया जा रहा है लिक्विड टीका पायो का, उसमें जो है एनपीके, पोटास, फास्फोरस, जिंक, आयरन, उन टीका का मैंने अपनी फसल में गेहूं में बीज का शोधन किया। एक शीशी हर प्रति बायो की मैंने एक बैग में 40 किलो में लगाई और मैंने उसमें डीएपी की मात्रा, पोटास की मात्रा और यूरिया की मात्रा 50% कम कर दी और उसके बाद मैंने जो है सीड ड्रिल से बुवाई कर दी। मैंने करीब 150 एकड़ ज़मीन में इसी प्रक्रिया के साथ गेहूं की फसल की बुवाई की है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि मेरी आप फसल देख रहे हैं कितनी हरियाली है, कितनी बढ़िया टिलरिंग है, सभी वैरायटियों में इसने इतना बढ़िया प्रभाव किया है कि उसका हर एक किसान को पूसा संस्थान जाएं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां से जो है बायो का टीका, एनपीके संपूर्ण, फास्फोरस का टीका, जिंक का टीका, आयरन का टीका, पोटास का टीका लेके आएं और उसको कोई भी फसल हो, गेहूं, धान, सरसों, मूंग, अरहर, आलू, उसमें इसके सबके पॉजिटिव प्रभाव हैं और लागत कुछ नहीं है, मात्र 50 रुपये का एक टीका आता है और इस तरह से हम जो है यूरिया, पोटास और डीएपी की बहुत बचत कर सकते हैं और इसमें बीमारियां भी नहीं आती, क्योंकि मैंने पिछली बार धान में लगाया था। उसी तरह से पूसा संस्थान की 3 प्रकार की सूडोमोनास है, उस सूडोमोनास को लगाने के बाद कोई भी कीट पतंग, फ्लास्ट, उस तरह का कोई रोग नहीं आता। मेरा किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि पूसा संस्थान जाएं और वहां से इन टीका को लेके आएं। वैज्ञानिक हमारी मदद को तैयार रहता है।